हेलो, आज हम आए हैं पार्क में। ये हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो सोचा आज वीकेंड है तो चलते हैं, घूम के आते हैं। बस आए हैं और आसी इंजॉय कर रही है। अभी अभी जा रही है वो झूला, स्केट, स्लाइडिंग, स्विंग, उसका बस यही चलते रहता है। तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ का पार्क। एंड ये आसी है, म्यूजिकल, एक्चुअली ये म्यूजिकल पार्क है। यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए। इसका नाम आलाप पार्क है। पिंपरी चिंचवार महानगर पालिका तानाजी भाऊ तुकाराम कलाटे उद्यान है। तो आप देख सकते हो इधर सारे म्यूजिक के बच्चों के लिए हैं कि बच्चे उसे यूज करें और सीखें, लर्न करें। ये देखो आप, डमरू बना रखा है बच्चों के खेलने के लिए और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कि बच्चे उसे इंजॉय खेलें, इंजॉय करें। ये आशी गई अभी स्विंग करने के लिए। ये स्विंग करने गई है। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा बना रखा है, हर तरह के यहाँ पर झूले लगा रखे हैं। और आप शाम को आओगे तो यहाँ और ज़्यादा अच्छा लगता है। रात में, एक्चुअली रात में लाइटिंग पूरी जलती है, तो ये पूरा यहाँ पर बैठने के लिए, बैडमिंटन के लिए सब कुछ बना रखा है। ऊपर फ्लूट के आकार का ये डेकोरेट किया हुआ है, डेकोरेशन फ्लूट का दिया है। आप देख सकते हो हर कलर के हैं फ्लूट यहाँ पर शो के लिए। और घर के साइड सारे स्विंग है, स्लाइडिंग है और एडवेंचर के लिए भी है, बच्चे एडवेंचर कर सके उसके लिए है। ये बच्चों का एडवेंचर है और ये स्विंग, ये बच्चों के स्विंग के लिए है। और इधर के साइड बच्चे जो हैं, बच्चे के प्लेग्राउंड टाइप का बनाया हुआ है, सेंट डाला हुआ है जिससे कि सेंट टॉय से प्ले कर सके सारे बच्चे। बहुत अच्छा पार्क है। अभी आसी स्विंग करने जा रही है, बहुत देर से वेट कर रही थी स्विंग का, मिल गया है, फाइनली उसे मिल गया है स्विंग करने के लिए। इधर पूरा वॉकिंग का बना रखा है कि आप मॉर्निंग में, इवनिंग में वॉक कर सके। बहुत नीट एंड क्लीन है ये गार्डन। बहुत भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि आज सैटरडे है, लोगों की छुट्टी होती है, तो बहुत भीड़ है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अभी आसी एडवेंचर करने के लिए गई हुई है, बच्चों का एडवेंचर है एक्चुअली। आशी, आशी, वन बाई वन आशी, वेट करो अभी। गो 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 फास्ट, गो फास्ट।
घूम सकते हैं तो वैल्यू अच्छी मिलती है। ये देखो आप लाइटिंग होने से कितना खूबसूरत ये पार्क लग रहा है एंड हर जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है और आशी को भी मस्ती सूझ रही है। इधर पूरा ग्रीन ग्रीन एरिया है, हरियाली ही हरियाली है। इधर ऊपर में फ्लूट जैसा डिजाइन किया हुआ है और स्टेयर दिया है घूमने के लिए, तो हम ऊपर चलते हैं अभी। वाओ वेरी नाइस, ये साइड में बैठने के लिए भी दिया हुआ है। ये पूरा फ्लूट बना हुआ है, फ्लूट का डिजाइन है एक्चुअली। एंड चारों ओर लाइटिंग की हुई है एंड म्यूजिक का शाइन दिया हुआ है, जैसे म्यूजिक का शाइन होता है इस तरीके से। ये बैठने के लिए दिया हुआ है, यहाँ से आप नीचे भी देख सकते हो, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा है। आज टाइम हवा भी बहुत चल रही है। डोंट टच आसी, डोंट टच, तुम नीचे जाते हो। अभी आशी नीचे जा रही है तो मैं भी नीचे जाती हूँ। ध्यान से आसी, लेट्स गो। अभी हम नीचे आ गए हैं स्टेयर से और इधर बाहर साइड में ये सारा दिया एक्सरसाइज के लिए, बड़ों की एक्सरसाइज के लिए। गार्डन से बाहर बनाया हुआ है कि बड़े लोग एक्सरसाइज कर सके। अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि घूम लिया जितना घूमना था, एंजॉय हो गया थोड़ा सा, आशी को भी ब्रेक मिला सैटरडे का। अभी संडे देखते हैं कहाँ उसकी प्लानिंग होती है। तो बस अभी घर जा रहे हैं। आशी कम, आप देखो यहाँ पे गिटार जैसा सेब बना हुआ है, शो पीस एंड लाइटिंग। आप ये देखो पोल पर म्यूजिक जैसा बना हुआ है जो मैंने पहले बताया, म्यूजिक शेप में लाइटिंग है। ओके अभी हम निकल रहे हैं, फिर मिलते हैं। ओके बाय, सी यू।